गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज डे 7 ऑफ एपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स सेशन। टुडे वी विल बी कवरिंग टॉपिक नंबर 121-240। सो बिफोर वी प्रोसीड, देयर आर सम क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग सम टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। टॉपिक नंबर 108 इज अबाउट लेक्स इन इंडिया। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वेबनाथ लेक इज लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। ये बिल्कुल सही है, वेबनाथ लेक इन केरला। इसकी एरिया लगभग 2,333 किलोमीटर स्क्वायर है, सो इट्स लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। ध्यान से समझिए मेरी बात को। वेबनाथ लेक में कैसा होता है कि इस अरबियन सी साइड से थोड़ा सलाइन वाटर भी आता रहता है, लेकिन दूसरे साइड से मेनलैंड इंडिया से जो लैंड है वहाँ से बहुत सारी फ्रेश रिवर्स में मिलती रहती हैं। इस कारण से वेबनाथ लेक का ज़्यादातर पोर्सन, खासकर जो ईस्टर्न पोर्शन है, वो फ्रेश वाटर है। खाली जो वेस्टर्न पोर्शन है, जो कोस्ट से सटे हुए है अरेबियन सी से, वही सलाइन वाटर है। एंड दैट इज़ वाई इंटायर वेबनाथ लेक इज़ नॉट कम सलाइन, और इसी कारण से इट कैन नॉट बी कंसिडर टू बी अ सलाइन लेक कम्प्लीटली। और इसीलिए अगर सवाल आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो वहाँ पर फिर आप वेबनाथ लेक को टिक ना करके आप टिक करेंगे चिलिका लेक को। चिलिका लेक इट इज़ इन उड़ीसा। यहाँ पे आप देखिए इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, और इसका एरिया लगभग वेबनाथ से हाफ है, लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर ही है, लेकिन फिर भी चिलिका लेक शुड बी कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चलिए दूसरा क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टॉपिक नंबर 37। यहाँ पे स्टार्टअप्स की डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए जब ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था, उस टाइम में स्टार्टअप की डेफिनेशन दी गई थी 5 ईयर्स एंड टर्नओवर 25 करोड़, लेकिन इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा करके 10 ईयर्स कर दिया गया है एज, एंड टर्नओवर को कर दिया गया टर्नओवर लिमिट को 100 करोड़। तो इसके बाद का ध्यान रखना, आप वेबसाइट पे अगर आप जाकर के देखेंगे तो एनुअल टर्नओवर लिमिट है 100 करोड़, और जबकि एज शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो इस बात का ध्यान रखना, पहले था 5 साल और 25 करोड़, लेकिन उसको अब बढ़ा दिया गया है। चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं, इट इज़ अबाउट इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पता होगा, बट फिर भी एक एक करके देखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि बोगी बिल ब्रिज, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, एंड इट इज़ लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज ऑफ इंडिया। तो ये ऐसा रेल भी है, रोड भी है, और इसका लेंथ है लगभग 4.94 किलोमीटर। इट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड धेमाजी। इट इज़ लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज ऑफ इंडिया। इट कनेक्ट्स नेशनल हाईवे नंबर 37 ऑन द साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड नेशनल हाईवे नंबर 52 ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से बोगी बिल ब्रिज लार्जेस्ट रेल कम रोड, रेल भी है रोड भी है, लेकिन अगर सिर्फ रोड की बात करें तो सबसे लंबा ब्रिज अभी तक हमारे देश में है धोला सदिया ब्रिज, जिसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। इट इज़ ओवर लोहित रिवर। इट कनेक्ट्स धोला विद सदिया। इसको भूपेन हजारिका जी के नाम के बाद इसलिए दिया गया है क्योंकि सदिया इज़ बर्थ प्लेस ऑफ भूपेन हजारिका जी। ठीक है जी, अब एक बात और ध्यान से समझो, फुलबारी धुबरी ब्रिज हम ऑलरेडी कब डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हाल फिलहाल में जिसका स्टोन लेइंग फाउंडेशन सेरेमनी हुआ था। ये जो फुलबारी धुबरी ब्रिज 2025-26 तक बन के तैयार हो जाएगा, जो धुबरी को जो असम में है उसको कनेक्ट करेगा विद फुलबारी इन मेघालय, तो इसकी टोटल लेंथ होगी लगभग 19.28 किलोमीटर्स। मतलब आप समझिए कि धोलिया सदिया ब्रिज से लगभग डबल, एंड इट विल बी द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया वंस कंप्लीटेड। तो इस बात का ध्यान रखना, बोगीबिल ब्रिज ये रेल कम रोड ब्रिज है, लॉन्गेस्ट इन इंडिया, इससे लगभग डबल है धोला सदिया, लोहित के ऊपर है, लेकिन ये सिर्फ रोड है, ये रेल ब्रिज नहीं है इसके साथ। और ये जो फुलबारी ब्रिज बन रहा है, फुलबारी धुबरी ब्रिज, ये जब बन जाएगा तो ये लगभग धोला सदिया से भी डबल लेंथ का होगा, एंड इट विल बी द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया वंस कंप्लीटेड बाई 2025-26। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 122 इज़ अबाउट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक रैंकिंग है, एक लिस्ट है, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों में कितना करप्शन है उनके पब्लिक ऑफिसेज में, उसके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। तो अगर और ये रैंकिंग निकालता है दुनिया का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इट्स एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी, और 1993 से ही इस तरह की रैंकिंग निकाल रहा है। तो कुछ बातें जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखनी है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल,
जर्मनी बेस्ड एनजीओ है। दुनिया भर के देशों को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन इन पब्लिक लाइफ। अगर उनका स्कोर जीरो है मतलब वो कंट्री बहुत करप्ट है, अगर स्कोर 100 है मतलब वो कंट्री बिल्कुल क्लीन है। इंडिया का स्कोर 2020 के लिए आया था 40 और इंडिया की रैंक थी 86 आउट ऑफ 180 कंट्री। तो 2021 के जनवरी फरवरी में ये इंडेक्स पब्लिश हुई थी फॉर द ईयर 2020 और उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 86 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी रैंकिंग ख़राब हुई है। पिछले साल हमारी रैंक थी 80 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ इन 2019 और हमारा स्कोर था 41। हमारा स्कोर थोड़ा घटा है, यानी कि वी आर मूविंग ऑन द मोर करप्ट साइड। तो फिर से ध्यान से सुनिए, दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक्चुअली एक एनजीओ है, दुनिया के देशों को रैंकिंग देती है उनके यहाँ पे करप्शन के बेसिस पे। इंडिया का रैंक है 86 आउट ऑफ 180 कंट्री, तो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज़ में हमारे हैं, बीच के साइड में हैं, और हमारा स्कोर है 40 आउट ऑफ 100। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये एक और रिपोर्ट पब्लिश करती है अपार्ट फ्रॉम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 123 इज अबाउट अ रिपोर्ट नोन एज मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पब्लिश किया था UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। ये रिपोर्ट इस साल फरवरी महीने में आया था, जिसमें कहा गया कि तीन ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए खतरा बन के उभर रही हैं। थ्री इन्वायरमेंटल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, नेचर लॉस या इसी को बायोडाइवर्सिटी लॉस भी कहा गया है, एंड पॉल्यूशन। उसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 9 out of 10 पीपल वर्ल्ड वाइड आर ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, सबसे सिंपल सा सवाल तो ये पूछ लेगा आपसे कि मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किसने पब्लिश किया था। आंसर विल बी UNEP। अगर थोड़ा और डेप्थ में चला गया UPSC स्टाइल में, तो फिर पूछ लेगा कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट। तो तीन वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन। और कभी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दे दिया तो पूछ लेगा कि कितने लोग पॉल्यूटेड एयर ब्रीद कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो 9 out of 10 पीपल आर ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 124 इज अबाउट कंक्लूसिव लैंड टाइटल्स। तो नाम से समझिए कंक्लूसिव लैंड टाइटल, पहले समझिए हमारे देश में होता क्या है। अगर हमारे देश में हमने कोई ज़मीन खरीदी है, तो अगर कोई दूसरा कोई आकर के क्लेम कर देता है कि नहीं नहीं ये ज़मीन आपकी नहीं मेरी है, तो फिर मुझे प्रूफ करना होगा कोर्ट में जाकर के कि ये ज़मीन मेरी है, थ्रू सेल डीड्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे कोर्ट के सामने दिखाना होगा कि सर ये ज़मीन मेरी है, ये आदमी गलत क्लेम कर रहा है। तो मतलब उस सिस्टम को कहा जाता है प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटल। समझिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए अभी तक हमारे देश में एट प्रेजेंट कौन सा सिस्टम है। तो एट प्रेजेंट सिस्टम है कि द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। तो अगर मैंने कोई ज़मीन खरीदी है, मेरे पास कोई ज़मीन है, तो अगर उस पर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो मुझे अप्रूव करना होगा कि ये ज़मीन मेरी है, सेल डीड्स वगैरह दिखा करके। इस सिस्टम को कहा जाता है प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम कि भाई ये ज़मीन मेरी है। अभी ये मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ, सरकार भी प्रिज्यूम करके अभी तक चल रही है कि ये ज़मीन मेरी है क्योंकि कागजात मेरे नाम पे हैं। लेकिन अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो मुझे प्रूफ करना होगा कि ये कागजात असली हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो सरकार खाली प्रिज्यूम कर रही है कि ये लैंड आपका है, अभी तक का जो सिस्टम है उस हिसाब से। इसलिए इस करंट सिस्टम को कहा जाता है प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम। आपके पास जो कागजात हैं वो मान के चल रहे हैं कि हाँ ठीक है। जैसे आप गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं तो गाड़ी के कागजात आप दिखाते हैं और देख करके बोलते हैं हाँ ठीक है, ये गाड़ी के कागजात तो ठीक हैं, आपके नाम के हैं। तो प्रिजम्प्टिव सिस्टम है कि मान के चल रहा है कि हाँ ठीक है आपकी गाड़ी है, लेकिन अगर कोई दूसरा क्लेम कर दे, वैसे ही लैंड में अगर कोई दूसरा क्लेम कर दे, तो फिर आपको प्रूफ करना होगा कि नहीं नहीं ये कागजात असली हैं। तो ये है हमारे देश में अभी तक फॉलो होता है प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम। नीति आयोग ने प्रपोज किया है कि प्रिजम्प्टिव को चेंज करके हमें एक नया सिस्टम लाना चाहिए, कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम। दिक्कत क्या है कि हर दूसरी ज़मीन पे कुछ ना कुछ विवाद है, ये ज़मीन आपकी है, सामने वाला कहता है नहीं नहीं मेरी है। उस चक्कर में कैसा होता है कि वहाँ पे ना कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें बन पाती हैं, ना फैक्ट्री बन पाता है, ना बिल्डिंग बन पाता है। तो बहुत सारी ऐसी ज़मीन जो है वो अनयूटिलाइज्ड तरीके से चल रही हैं बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स।
क्योंकि हमारे देश में प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम है, सरकार प्रिज्यूम करके चल रही है, लेकिन अगर डाउट हो गया तो आप साबित करते रहिए और कोर्ट में साबित होते रहता है फिर मामला 20-20 साल तक। तो इसके जगह पे कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम लाया जाए। कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम कैसा है कि सरकार इस आदमी के साथ एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स देख लेगी सरकार, और उसके बाद आपको सर्टिफाई कर देगी कि हाँ ठीक है ये ज़मीन आपकी है, आपके डॉक्यूमेंट्स देख लेगी, सर्टिफाई कर देगी ज़मीन आपकी। अब अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है, एक बार सरकार ने आपकी ज़मीन देखी, कागजात देखे, सर्टिफाई कर दिया ये आपका, अब फ्यूचर में अगर कोई आदमी बी आता है कि नहीं नहीं सर ये ज़मीन तो मेरी है, तो ये आदमी अब ए से केस नहीं लड़ेगा, ये आदमी अब सरकार से केस लड़ेगा कि नहीं नहीं सर ये तो ज़मीन मेरी थी, आपने गलत दे दिया। और अगर ये आदमी सही साबित हो भी जाता है कि ये ज़मीन इसकी थी, ए की नहीं थी, उस केस में भी सरकार इस ए को ये ज़मीन रहने देगी, बी को हो सकता है थोड़ा कॉम्पनसेशन दे दे, लेकिन ए के नाम पे ज़मीन रहने देगी और बी को उसके बदले कॉम्पनसेशन मिल जाए। तो दैट इज़ कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम, कि एक बार सरकार और सरकारी एजेंसीज आपके कागजात को देख लें, उसके बेसिस पे वो आपको कंक्लूड कर दे कि ये लैंड आपकी है। ये कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम प्रपोज किया है नीति आयोग ने, लेकिन चूंकि लैंड एक स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है इसलिए डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट तो कानून बना नहीं सकती, इसलिए उन्होंने एक मॉडल बिल बनाया है ऑन कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम, जिसको रिक्वेस्ट किया गया है स्टेट्स को अडॉप्ट करने के लिए कि स्टेट्स अपने अपने जगहों पे ये कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम लेकर के आएँ। इससे होगा क्या कि द स्टेट विल प्रोवाइड गारंटी ऑन द लैंड टाइटल। एक बार ये कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग हो गई तब आपसे कोई आपके ऊपर डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, अब आप आराम से वहाँ पे बिल्डिंग बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, जो बनाना है बनाओ। सो द टाइटल इज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, सो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट देन द क्लेमेंट हैज़ टू सेटल डिस्प्यूट विद द गवर्नमेंट नॉट विद द टाइटल होल्डर। इस तरह का कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम चल रहा है बहुत सारे देशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड कनाडा। तो हमारे देश में क्या है, प्रिजम्प्टिव लैंड टाइटलिंग है अभी तक, लेकिन नीति आयोग ने कहा है कि उसको कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग में लाया जाए ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स कम हो जाएं और ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल हो पाए। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 125 इज़ अबाउट कार्बन वॉच ऐप। तो देखिए, एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मोबाइल ऐप है। ये मोबाइल ऐप में कैसा है कि एक इंडिविजुअल कितना कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है वो भी रिकॉर्ड हो सकता है, कि कार्बन फुटप्रिंट मतलब ओवरऑल आप कितना CO2 या उसके इक्विवेलेंट का ग्रीन हाउस गैस रिलीज करते हैं अपने डेली बेसिस पे, वो भी रिकॉर्ड हो सकता है इस कार्बन वॉच ऐप में। तो कैसा है ये न्यूज, पहले समझ लीजिए कि हमारे देश के अंदर चंडीगढ़ ऐसा पहला स्टेट या यूनियन टेरिटरी में से सबसे पहला ऐसा रीजन बन गया है जिसने ये कार्बन वॉच ऐप अपने एरिया में लॉन्च कर दिया है। वहाँ के लोग, अब चंडीगढ़ के लोग कार्बन वॉच ऐप को डाउनलोड करके उसमें बेसिक डाटा फिल कर सकते हैं कि दिन भर में कितना पानी इस्तेमाल किया, कितनी बिजली इस्तेमाल की, और इसके बेसिस पे रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा कि सर आप इतना कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। मतलब कार्बन फुटप्रिंट मतलब अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन टू एटमोसफेयर। तो इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट भी दे देता है ये कार्बन वॉच ऐप, और ये कार्बन वॉच ऐप सबसे पहले लॉन्च करने वाला जगह बन चुका है चंडीगढ़। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 126 इज अबाउट सिलिकन शील्ड ऑफ ताइवान। तो एक बात तो हमने कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में पहले डिस्कस कर रखी है कि ये छोटा सा जो टेरिटरी है फार्मोसा आइलैंड, यहाँ पे चाइना से के कोस्ट पे, ये फार्मोसा आइलैंड पे कंट्री है ताइवान जो अपने आप को कहता है रिपब्लिक ऑफ ताइवान, और ये जो मेनलैंड पे जो कंट्री है चाइना जिसको हम कहते हैं उसका पूरा नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये दोनों की लड़ाई यही है, दोनों यही एक दूसरे को क्लेम करते हैं कि हम हैं ओरिजिनल चाइना। ताइवान कहता है कि हम हैं ओरिजिनल चाइना, और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है कि हम हैं ओरिजिनल चाइना। इसके पीछे की हिस्ट्री हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बस इतना समझना है कि बोथ क्लेम दैट वी आर आई एम ओरिजिनल चाइना। तो इसी कारण से जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है मेनलैंड चाइना, इसने एक पॉलिसी अपनाई है वन चाइना पॉलिसी। इस वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से इसने कंडीशंस रखे हैं कि पूरे दुनिया भर में अगर कोई भी ऐसा देश, उसके लिए बस एक ही चाइना है, देयर कैन नॉट बी अनदर चाइना। कोई भी देश अगर मुझसे संबंध रखना चाहता है वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से, तो फिर वो ताइवान से संबंध नहीं रख सकता। तो दैट इज़ वन चाइना पॉलिसी कि लुक बॉस, देयर इज जस्ट वन चाइना इन दिस वर्ल्ड, तो इफ़ यू पुट कीप रिलेशंस विथ मी, दैट मीन्स यू कैन नॉट कीप रिलेशंस विथ दिस ताइवान, हु ऑल्सो क्लेम्स इट सेल्फ टू बी चाइना, और इन शॉर्ट रिपब्लिक ऑफ
चाइना। तो इसी को कहा जाता है वन चाइना प्रिंसिपल, जो चाइना ने लेकर के आया, और दुनिया के तमाम मेजर देश इस वन चाइना प्रिंसिपल को मानते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एंड अमेरिका। खाली कुछ छोटे मोटे देश हैं जैसे बेलीजे, गौटेमाला, हाइती, ये नाम याद नहीं करने हैं, होंडुरस, मार्शल आइलैंड्स, ये सब कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए तो ताइवान, ये छोटा भाई अपना, यही है ओरिजिनल चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम चाइना को नहीं मानते। तो करेंटली ओनली दीज 15 स्टेट्स रिकॉग्नाइज ताइवान एज रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड दे डू नॉट हैव ऑफिशियल रिलेशंस विद बीजिंग, दैट मीन्स मेनलैंड चाइना। लेकिन जो भी मेजर देश हैं जैसे इंडिया या फिर यूएस, ऑल ऑफ देम रिकॉग्नाइज चाइना एज द ओनली चाइना। तो इस कारण से हम लोग ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखते। ताइवान के साथ हम इकोनॉमिक रिलेशंस जरूर रखते हैं, चीज़ें खरीदते जरूर हैं वहाँ से, लैपटॉप्स वगैरह, सिलिकॉन चिप, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह। तो वी हैव इकोनॉमिक रिलेशंस विद ताइवान बट नॉट एनी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिकॉज वी फॉलो वन चाइना प्रिंसिपल। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा चाइना को भड़काने के लिए कह दिया कि नहीं नहीं हम तो सोच रहे हैं कि वन चाइना प्रिंसिपल को रिव्यू करेंगे तो, और हो सकता है कि हम ताइवान को भी रिकॉग्नाइज करें, थोड़ा भड़काने के लिए कह दिया। तो फिर चाइना ने धमकी दे दी कि जो भी देश ऐसा करेगा, अगर वो वन चाइना प्रिंसिपल को वायलेट करता है, तो हमारे से वॉर के लिए तैयार हो जाए। अब वो बात अलग है, इतने छोटे मोटे तो ऑलरेडी नहीं पहचान रहे, लेकिन अमेरिका ने धमकी दी तो चाइना ने भी धमकी दे दी कि जो भी ऐसा करेगा वो वॉर के लिए रेडी हो जाए। और उसके बाद चाइना लगातार ताइवान को धमकी देने लगा कि हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दो दिन भी नहीं लगेगा। तो बात सही है कि ये छोटा सा देश है ताइवान, चाइना को तो दो घंटे भी ना लगे इस ताइवान को ख़त्म करने में, बट फिर भी अभी तक ताइवान चल रहा है एक देश की तरह, तो क्यों? सवाल ये उठता है, इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया, इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल आए थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना इस ताइवान को ख़त्म क्यों नहीं कर देता है? दो घंटा लगेगा चाइनीज़ आर्मी के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो इसके पीछे कारण बताया कि जो छोटा सा कंट्री है ताइवान, इसको प्रोटेक्ट करने वाला एक शील्ड है जिसको कहा जाता है सिलिकॉन शील्ड। अब ये सिलिकॉन शील्ड ऐसा कुछ इक्विपमेंट नहीं है, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है। सिलिकॉन शील्ड कैसा है कि ताइवान सेमीकंडक्टर चिप बनाने में, जो सेमीकंडक्टर चिप हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, फ़ोन में होता है, हर जगह जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसमें ताइवान बहुत आगे है और दुनिया के तमाम देशों को ये सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करता है। अमेरिकन आर्मी को भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करता है। तो मतलब पूरे दुनिया का ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर है सेमीकंडक्टर चिप का। और अगर चाइना इसको कैप्चर कर लेता है तो यानी कि वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री चाइना के पास आ जाएगी, तो इनडायरेक्टली अमेरिका को जो भी सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई होता है उसका सोर्स चाइना के पास चला जाएगा, जो अमेरिका कभी चाहेगा नहीं। और इसीलिए चाइना भी ये बात जानता है कि अगर हमने ताइवान पर अटैक किया तो ये चूंकि इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स सिलिकॉन फैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप कि बाकी सारे जो मेजर देश हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, वो काउंटर अटैक कर देंगे। इसी को बोला गया है सिलिकॉन शील्ड ऑफ ताइवान कि ताइवान के पास ऐसा कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है और चाइना को दो घंटे बिना लगे इसको ख़त्म करने, बट फिर भी ताइवान को बस चाइना धमकी देता है, ख़त्म नहीं करता, क्योंकि उसको पता है अगर हमने इसको अटैक किया, अक्वायर किया, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर जो फैक्ट्री है ताइवान की वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए और बाकी सारे इंपॉर्टेंट देशों के लिए जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए, तो चुप नहीं बैठेंगे। दिस इज़ नोन एज सिलिकॉन शील्ड ऑफ ताइवान। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना नोन एज ताइवान, सिर्फ 15 कंट्री पहचानते हैं, PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना है। वन चाइना प्रिंसिपल किसको बिलोंग करता है? PRC को, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक ही चाइना है, दूसरा चाइना आप ताइवान को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इंडिया, US सब पहचानते हैं, वन चाइना प्रिंसिपल मानते हैं, PRC को आइडेंटिफाई करते हैं, ROC को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। फिर भी ROC सर्वाइव कर रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ सिलिकॉन शील्ड। उसकी एक कंपनी है TSMC, इट बिलोंग्स टू ताइवान, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमी कंडक्टर चिप प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और इस कारण से ये जिंदा है, आप ऐसा मान लो। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 127 इज अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। तो ये जो डिसआर्मामेंट का कॉन्फ्रेंस है ये इस साल न्यूज़ में था, और लेकिन ये काफ़ी पुराना इशू है, लेकिन इस साल डिसआर्मामेंट को लेकर के, NPT को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ UN में, तो ये न्यूज़ में था। तो समझिए ये क्या है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। सबसे पहले ध्यान से समझिए कि इट्स नॉट ए फॉर्मल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई फॉर्मल कॉन्फ्रेंस है नहीं। कैसा है कि यूनाइटेड नेशन
1979 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने पर्सनल, समझ लो तो अपने पर्सनल रेप्यूटेशन पे एक अलग से कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी। मतलब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई, उसके बाद उसी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि भाई दुनिया के कुछ ऐसे देशों को साथ में आना चाहिए जो चाहते हैं कि दुनिया भर के जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस, खतरनाक आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं, वो ख़त्म कर दिए जाए। तो मैं चाहता हूँ कि एक मीटिंग हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक क्लास होती है, फॉर्मल क्लास है, मैं आप पढ़ा रहा हूँ, 60-70 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लास के बाद मैं कहूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि क्लासरूम में सफाई रहे, इस कारण से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो थोड़ा रुक जाओ, तो वो एक इनफॉर्मल मीटिंग हो गई। क्लास तो फॉर्मली चल रही थी लेकिन अब एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी। वैसे ही यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने एक इस तरह की इनफॉर्मल इनिशिएटिव ली जिसको नाम दिया गया कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। दिस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन 1979, जिसमें दुनिया भर के वो देश जो डिसआर्मामेंट में, मतलब जो खतरनाक हथियार हैं दुनिया भर में उसको ख़त्म करने में इंटरेस्टेड थे, वो उसमें पार्टिसिपेट किया इन्होंने। आज के टाइम में इसके 65 मेंबर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। हर साल मीटिंग होती है एक ना एक बार कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट की, और कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में बात किया जाता है कि कैसे हम लोग प्रपोजल दिए जाते हैं, कैसे दुनिया भर के जो खतरनाक हथियार हैं उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना, इट इज़ नॉट ए फॉर्मल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी हर साल ये एक रिपोर्ट जरूर भेजता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। इट्स नॉट ए फॉर्मल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बट एनुअली इट रिपोर्ट्स इट्स एक्टिविटीज़ टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इस बात को ध्यान रखना, फॉर्मली जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन एक रिपोर्ट जरूर हर साल बना के भेज देता है कि सर इस साल हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हाल फिलहाल में चल रहा है जिस कारण से ये न्यूज में था, वो है फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी, FMCT। तो FMCT कैसा है? FMCT में प्रपोज किया गया है कि जो भी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले जो भी ये हैं, उनका मेन मटेरियल है जैसे कि हाईली इनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम, उनके प्रोडक्शन पे पूरी तरह से प्रोहिबिशन लगा दिया जाए, पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। ये प्रपोज किया गया है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में कि प्लूटोनियम, हाई इनरिच्ड यूरेनियम, इनके प्रोडक्शन पे पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। वो बात अलग है कि ये खाली FMCT अभी प्रपोजल फॉर्मेट में है, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट में एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको भेजा जाएगा, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको पास कर देती है, तब जाकर के ये कानून बनेगा। तो अभी ये बहुत दूर है लेकिन फिर भी FMCT इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट की मीटिंग होती है हर साल इन जेनेवा, सो इट्स हेड क्वार्टर इज इन जेनेवा। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 128 इज अबाउट स्फूर्ति स्कीम। तो स्फूर्ति स्कीम का फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो जो भी इस तरह के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, छोटे छोटे जैसे खादी के या हैंडीक्राफ्ट के, हैंडलूम के, इस तरह के जो भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, इनका क्लस्टर डेवलप करने की कोशिश कर रही है सरकार। क्लस्टर मतलब एक एरिया जहाँ पे सर यही लोग हों। जैसे आप देखते हैं किसी किसी एरिया में बस मूर्तियाँ बनती हैं, किसी किसी एरिया में बस पॉट बनता है, पॉट्स बनते हैं, तो उसको बोला जाए क्लस्टर। तो स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इस तरह के अलग अलग छोटे छोटे जो इंडस्ट्री हैं, मुस्लिन के, खादी के, कोयर के, इनके क्लस्टर बनाए जाए। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लेकर के ये स्कीम लाया गया है और अलग अलग क्लस्टर डेवलप करने के लिए सरकार अलग अलग पैसे खर्च कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर 500 से कम आर्टिसन वाले क्लस्टर हैं, मतलब छोटा सा क्लस्टर है अगर, तो उसके लिए सरकार 2.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी, उसको कहा जाता है रेगुलर क्लस्टर। अगर मेजर क्लस्टर है, बहुत बड़ा क्लस्टर है, 500 से ज़्यादा आर्टिसन है किसी एरिया में, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार 5 करोड़ रुपये तक खर्च करेगी अंडर दिस स्फूर्ति स्कीम। इस स्फूर्ति स्कीम का नाम ही आप ध्यान से समझो तो इसमें क्या है, स्कीम ऑफ फंड। तो एक फंड बनाया जा रहा है, फंड का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है क्लस्टर को डेवलप करने के लिए। तो जिस एरिया में 500 से कम आर्टिसन है, कम आर्टिसन है, वहाँ पे 2.5 करोड़ तक खर्च किया जाएगा। जो मेजर क्लस्टर है वहाँ पे 5 करोड़ तक खर्च किया जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 129 इज अबाउट सीता, स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग। तो देखो, जैसे भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन को हटा करके ले आए नीति आयोग, आसाम सरकार ने भी फिर क्या किया कि हमारे यहाँ के आसाम प्लानिंग जो बोर्ड था उसको हटा करके ले आए सीता, स्टेट इनोवेशन ट्रांसफॉर्मेशन आयोग। तो ये जैसे भारत सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग, वैसे ही आसाम सरकार का थिंक टैंक है ये सीता।
तो सीता वॉज क्रिएटेड इन 2016 अकॉर्डिंग टू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इसके लिए कोई कानून नहीं पास किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे नीति आयोग है क्रिएटेड अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इट रिप्लेस्ड प्लानिंग बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ठीक वैसे ही जैसे नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। चेयरमैन ऑफ सीता इज चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक वैसे ही जैसे चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा एक वाइस चेयरमैन है सीता के, दीपक कुमार बोर ठाकुर साहब, और सीईओ हैं सीता के श्री मुकेश सी साहू साहब। सीता के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे मैंने यहाँ पे ये दे रखा था, जैसे डाइंग रिवर ऑफ आसाम इनिशिएटिव, सर्वे ऑफ रूरल प्राइमरी मार्केट। इतना तो डिटेल में देखो पीटी में नहीं आना चाहिए, तो पीटी में तो ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार पीटी से पहले देख करके इसको जाना, मैं नोट्स में इसको दे दूंगा, एक बार पढ़ लेना पीटी एग्जाम से एक दो दिन पहले कि ये सब सीता के इनिशिएटिव्स हैं। जैसे नीति आयोग के कैसे अलग अलग इनिशिएटिव्स रहते हैं, मॉडल लॉ अभी तो आज हमने देखा ना, वैसे ही सीता के भी अपने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 130 इज अबाउट CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। तो ये जो प्रपोजल है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है, ये 1996 में बहुत पहले इंडिया ने प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशंस में, एक प्रपोजल लाया था इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में। क्या था इस प्रपोजल में कि सर एक कानून लाया जाए, एक इंटरनेशनल लॉ लाया जाए यूनाइटेड नेशन के अंदर, जहाँ पे टेररिज्म को यूनिवर्सल डेफिनेशन दिया जाए। दैट वाज द प्रपोजल। ये जो CCIT है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, दैट वाज अ प्रपोजल बाय इंडिया एट यूनाइटेड नेशन इन 1996। मेन ऑब्जेक्टिव टू गिव यूनिवर्सल डेफिनेशन टू टेररिज्म, कि सर टेररिज्म के लिए अभी कैसा है कि कौन टेररिस्ट है इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कोई डेफिनेशन नहीं है। जिस हमारे लिए जो टेररिस्ट है, किसी और के लिए वो आप समझिए वॉलंटियर है, रिवॉल्यूशनरी है। तो इंडिया सेट के एक यूनिवर्सल डेफिनेशन लाया जाए, जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं उस डेफिनेशन के हिसाब से जो भी फिर टेरर ग्रुप्स हैं उन सबको बैन किया जाए। क्रॉस बॉर्डर अगर टेररिज्म होता है तो एक्सट्रेडिटेबल ऑफेंस बनाया जाए। मान लीजिए पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट आता है इंडिया में, टेररिज्म करके भाग जाता है, तो उसको फिर पाकिस्तान से एक्सट्राडाइट किया जाए इंडिया में अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल लॉ। तो ये सब प्रपोजल दिया इंडिया ने, लेकिन तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने या तीन ग्रुप्स ने इसको ऑब्जेक्ट किया पूरी तरह से, और आज तक ये CCIT पास नहीं हो पाया है। OIC ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया, US ने ब्लॉक किया, लैटिन अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया, और इस कारण से आज तक CCIT अप्रूव नहीं हो पाया है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 131 इज अबाउट न्यू अल्पाइन प्लांट स्पीसीज। तो काफ़ी सरल सा न्यूज़ है कि ये देखो, ये वाला जो एरिया है तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे एक छोटा सा लेक है, पैंगकांग तेंग सो लेक, पैंगकांग तेंग सो लेक। यहाँ पे एक नया फ्लावर स्पीसीज मिला है हमें, अल्पाइन फ्लावर स्पीसीज। ये अल्पाइन फ्लावर स्पीसीज को IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगराइज कर रखा है, और ये अल्पाइन, अल्पाइन मतलब तो जानते ही हो कि आप, अल्पाइन वो क्लाइमेटिक रीजन होता है जहाँ पे काफ़ी कम टेम्परेचर होता है, रेनफॉल भी काफ़ी कम होता है, ड्राइनेस होता है। तो अल्पाइन रीजन मतलब हाइयर एल्टीट्यूड वाला एरिया, पहाड़ों वाला जो भी क्लाइमेट होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्पाइन। वहाँ पे फिर इसी तरह के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़ा ट्री नहीं होता क्योंकि ग्रोइंग सीजन छोटा होता है, क्योंकि साल में बहुत कम टाइम सनशाइन आता है, बहुत कम रेनफॉल होती है, इसलिए ग्रोइंग सीजन इज स्मॉल। तो मुद्दा ये है कि एक हमें नया स्पीसीज मिला है, इस स्पीसीज का नाम है क्रेमैंथोडियम इंडिकम। ये एक नया प्लांट स्पीसीज है, अल्पाइन प्लांट स्पीसीज, जो अरुणाचल प्रदेश में ढूंढा है हमने, डिस्कवर किया है, तवांग डिस्ट्रिक्ट के पास नियर पेंगा तेंग सो लेक में मिला है ये। IUCN ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगराइज कर रखा है, पहले ये इंडिया में नहीं मिलता था लेकिन अब हमने ढूंढ निकाला है इंडिया में भी। ये जो स्पीसीज है प्लांट स्पीसीज, ये अल्पाइन प्लांट स्पीसीज है, मतलब लो टेम्परेचर, लो रेनफॉल और शॉर्ट प्लांट होता है क्योंकि ग्रोइंग सीजन छोटा होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 132, पगरी संभाल दिवस, ध्यान से समझिएगा। देखिए, भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह जी, अजीत सिंह जी भी रिवॉल्यूशनरी थे भगत सिंह की तरह, इनफैक्ट भगत सिंह अजीत सिंह से ही इंस्पायर हुए थे पंजाब में रिवॉल्यूशन के लिए, क्रांति के लिए। तो अजीत सिंह जी ने 1907 में अंग्रेज़ों के तीन कानून के खिलाफ, तीन कानून थे अंग्रेज़ों के, दोआब बारी एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट एंड पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, ये जो तीन ऐसे कानून थे जो किसानों को अपनी ही ज़मीन पे उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे,
कि किसान अपनी ज़मीन पे कितना राइट कितना प्रैक्टिस कर सकता है, कितना ज़मीन खेत ले से इससे अनाज ले सकता है, उन तमाम चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे ये तीन कानून, दोआब बारी एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट एंड पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट, नाम से ही देखो एलियनेशन एक्ट। तो 1907 में जब ये तीन कानून आए अंग्रेज़ों के, तो उसके खिलाफ अजीत सिंह ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था पगरी संभाल मूवमेंट, पगरी संभाल जट्टा मूवमेंट। और इस पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट पे अलग अलग जगहों पे जाकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी लगाई। और इसी पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट के दौरान 1907 में उन्हीं के एक मित्र दोस्त हैं बांके दयाल, इन्होंने एक गाना भी लिखा पगड़ी संभाल जट्टा। और उस टाइम में ये फिर पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर हुआ, और बाद में इस कारण से ब्रिटिशर्स को ये तीन कानून वापस लेना पड़ा। तो ये तो उस टाइम की बात हो गई। अब हाल फिलहाल में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है सरकार के खिलाफ, आपको पता है दिल्ली में ये लोग दिल्ली के आसपास के एरिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस साल जब 23 फरवरी आई तो फार्मर्स, कई सारे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने 23 फरवरी जो अजीत सिंह का जन्म दिवस है, तो कई सारे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने फिर 23 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया एज पगड़ी संभाल दिवस। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सरकार ने नहीं किया है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए, तो इसके आने के चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने वाली चीज़ थोड़ी आएगी एग्जाम में, तो मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। लेकिन फिर भी आई होप आप सिनेरियो समझ रहे हैं, ये पगड़ी संभाल दिवस कोई सरकार ने नहीं बनाया है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस साल 23 फरवरी को अपने फार्म प्रोटेस्ट को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए कहा कि अजीत सिंह का जो जन्म दिवस है 23 फरवरी, उसको हम लोग पगड़ी संभाल दिवस की तरह मनाएंगे। अजीत सिंह वही हैं जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट को 1907 में लीड किया था, सरदार अजीत सिंह, उनका बर्थडे है 23 फरवरी। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें याद रखनी है, 23 फरवरी पगड़ी संभाल दिवस किसने सेलिब्रेट किया, फार्मर्स यूनियन ने, सरकार ने नहीं। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार अजीत सिंह, लीडर ऑफ पगड़ी संभाल मूवमेंट ऑफ 1907। पगड़ी संभाल मूवमेंट वॉज अगेंस्ट 3 ब्रिटिशर्स लॉ दैट वॉज फाइनली टेकन बैक बाय ब्रिटिशर्स। पगड़ी संभाल जट्टा जो सॉन्ग है दैट हैज़ बीन रिटन बाय बांके दयाल। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 133 इज अबाउट इंडमैक्स यूनिट। तो समझिए जरा ध्यान से, इंडमैक्स क्या है? इंडमैक्स एक टेक्नोलॉजी है जो IOCL ने डेवलप किया है। इंडमैक्स एक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के मदद से हाई यील्ड ऑफ LPG या लाइट हाइड्रोकार्बन्स ओलेफिन्स या हाई ऑक्टेन गैसोलीन्स बनाए जा सकते हैं, CNG गैसोलीन बनाया जा सकता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो जो क्रूड ऑयल होता है उससे बढ़िया क्वालिटी का LPG या CNG निकाला जा सकता है थ्रू दिस इंडमैक्स टेक्नोलॉजी जो IOCL ने बनाया है। अब इस इंडमैक्स टेक्नोलॉजी की मदद से ही एक नया इंडमैक्स यूनिट लगाया गया है एट बोंगाईगांव रिफाइनरी दिस ईयर। इस साल फरवरी महीने में बोंगाईगांव रिफाइनरी में इंडमैक्स यूनिट वाला एक फैक्ट्री लगाया गया है ऑफ IOCL। और ये जो बोंगाईगांव रिफाइनरी में ये जो इंडमैक्स यूनिट वाला फैक्ट्री लगाया गया है IOCL के अंदर, तो आई होप आप समझ रहे हैं कि इंडमैक्स एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे बेहतर क्वालिटी की LPG या CNG बनाई जा सकती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये IOCL ने ही डेवलप किया है। IOCL का जो पारादीप वाला यूनिट है उड़ीसा में, वहाँ पे ऑलरेडी ये इंडमैक्स यूनिट लगाया जा चुका है। अब इस साल बोंगाईगांव के IOCL वाले यूनिट में ये इंडमैक्स यूनिट सेटअप किया गया है। और ये जो इंडमैक्स यूनिट सेटअप किया गया है बोंगाईगांव वाले रिफाइनरी के अंदर, दैट हैज़ बीन डन अंडर हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो ये हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसका फोकस है कि वी विल बी डबलिंग द ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इन नॉर्थ ईस्ट बाई 2030। वी विल मेक क्लीन फ्यूल्स एक्सेसिबल इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। वी विल फास्ट अटैक प्रोजेक्ट्स। तो ये सब सरकार ने टारगेट्स रखे हैं अपने लिए अंडर हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट में, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है PT में सीधा सीधा पूछ लेगा, ये जो हाइड्रोकार्बन विजन 2030 हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट है, इसमें मोदी जी ने कहा था कि इट रेस्ट्स ऑन 5 पिलर्स, 5 P, पीपल पॉलिसी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन। UPSC में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इस तरह के सवाल वो पूछ लेते हैं कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 पिलर और 4 पिलर। तो मौजूदा सरकार इस तरह की बहुत बातें कहती है, ट्रेड्स ऑन 5 P।
तो ये जो हाइड्रोकार्बन विजन 2030 है सरकार के हिसाब से, इट रेस्ट्स ऑन 5 P, पीपल, पॉलिसी, पार्टनरशिप, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शन। तो ये 5 P याद रख लेना, क्या पता पूछ ले। आई होप हाइड्रोकार्बन विजन क्लियर है। हाइड्रोकार्बन विजन 2030 भारत सरकार की इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्ट के लिए, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन को लगभग डबल कर दिया जाएगा 2030 तक, और उसी के अंतर्गत ये फिर इंडमैक्स यूनिट लगाया गया है बोंगाईगोंग एरिया में। इंडमैक्स इज ए न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय IOCL, जिसमें बेहतर क्वालिटी की LPG और CNG निकाली जा सकती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 134 इज अबाउट PM कुसुम स्कीम। तो PM कुसुम स्कीम कैसा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत फार्मर्स को थोड़ा मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा कि वो अपने अपने खेतों में सोलर पैनल्स लगाएं छोटे छोटे। तो फार्मर्स को मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा कि अपने अपने खेतों में सोलर पैनल्स लगाएं। और देखिए 2018 के बजट में ही ये PM कुसुम स्कीम वैसे तो ला दिया गया था। उसमें कैसा है कि फार्मर्स को पैसा दिया जा रहा था कि अपने अपने खेतों में सोलर पंप्स लगा करके, सोलर पैनल्स लगा करके अपने पंप्स को चलाएं, अपने अपने पंप को चलाइए अपने अपने यहाँ पे सोलर पैनल्स लगा करके। 2021 के बजट में इस PM कुसुम स्कीम को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया है। अब फार्मर्स और भी कंपोनेंट ऐड कर दिए गए हैं। पहले सिर्फ डिसेंट्रलाइज तरीके से सोलर पैनल्स लगाए जा रहे थे कि आप सोलर पैनल लगाइए और अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अब इसमें और भी कंपोनेंट ऐड कर दिए गए कि आप सोलर पैनल लगाइए अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, अगर बच जाता है तो ग्रिड से उसको सप्लाई कीजिए और उससे आप और भी पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आपके फील्ड में अगर सोलर पैनल लगा है, आपकी खाली खेत है, आप फार्मर हैं, आपके खाली खेत में अगर सोलर पैनल्स लगा है और आप जितना यूज कर रहे हैं उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है सोलर एनर्जी, तो आप ग्रिड के थ्रू उसको बेचिए और उससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोविजन, 2000 इस बजट से पहले तक कैसा था कि अकॉर्डिंग टू दिस PM कुसुम स्कीम दे कुड यूज देयर सोलर एनर्जी फॉर देयर पंप्स, बट नाउ दे कैन अर्न मनी बाय सेलिंग इट टू द ग्रिड ऑल्सो। सो नाउ ग्रिड कनेक्टेड PM कुसुम स्कीम हो गया है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 135 इज अबाउट विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है चाइना, फिर US, तीसरे पे है जर्मनी। इंडिया की टोटल कैपेसिटी विंड एनर्जी की लगभग 35 GW के आसपास है, और इंडिया के अंदर बात की जाए तो तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 136 इज अबाउट कार्बी इंसर्जेंट ग्रुप दैट हैव सरेंडर्ड रिसेंटली। तो कार्बी एंगलोंग के अंदर भी इंसर्जेंसी रही है, जैसे बोडोलैंड एरिया में रही है। तो कार्बी एंगलोंग की इंसर्जेंसी को मैंने मेंस पर्सपेक्टिव से यहाँ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन कुछ PT पॉइंट ऑफ व्यू से बातें देख लेते हैं कार्बी एंगलोंग के अंदर इंसर्जेंसी। तो देखो, जैसे बोडोलैंड के लिए एक ऑटोनोमस स्टेट मांगते थे, वैसे ही कुछ वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप जैसे NDFB वगैरह, वैसे ही कार्बी एंगलोंग को भी एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए वहाँ पे एक इंसर्जेंट ग्रुप बना 1999 में, जिसका नाम था यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सोलिडरिटी, UPDS। लेकिन 2002 में इसने भारत सरकार के साथ सीज फायर अग्रीमेंट साइन कर लिया, जैसे हाल फिलहाल में अभी NDFB ने भारत सरकार के साथ साइन किया है 2020 में। और कार्बी एंगलोंग को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया अंडर 6th Schedule ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखो कि कार्बी एंगलोंग बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, 10,000 square kilometers उसका एरिया था। इसका इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 districts नाउ, कार्बी एंगलोंग एंड वेस्ट कार्बी एंगलोंग। ये जो डिवीजन हुआ था 2016 में हुआ था। उसके बाद डीफू बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ कार्बी एंगलोंग, वाइल हैमरेम इज नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट कार्बी एंगलोंग। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 137 इज अबाउट न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो आपको पता होगा कि पिछले साल अगस्त 2020 में आसाम का 34th नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, बजाली, दैट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ दिस बोरपेटा। तो यहाँ पर छोटा सा बजाली है, इसको बोरपेटा से अलग एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, जो पहले बोरपेटा के अंदर ही एक सब डिवीजन हुआ करता था। तो कैसा है कि अब कौन कौन से हाल फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट्स बने उनको रिवाइज कर लेते हैं। अभी आसाम में टोटल हो गए 34 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 2015 में बना था विश्वनाथ, चेरादो, होजाई, साउथ सलमारा, मनकाचार और वेस्ट कार्बी एंगलोंग। तो एक ही बार में 27 से बढ़ के 2015 में 32 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। फिर 2016 में बना मजूली, एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो 32 से 33 हुए। और अब बना है ये अपना बजाली, तो अब टोटल हो गए हैं 34 डिस्ट्रिक्ट्स। तो देख लेते हैं एक बार कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज बजाली क्रिएटेड इन अगस्त 2020. बजाली हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ बोरपेटा. पाठशाला इज हेड क्वार्टर ऑफ बजाली. 2016 में मजुली वॉज क्रिएटेड ए डिस्ट्रिक्ट विच वॉज फर्स्ट रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट. अगर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए एरिया वाइज तो आज भी है साउथ सलमारा मनकसार विथ एन एरिया ऑफ अबाउट 568 स्क्वायर किलोमीटर. स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए पॉपुलेशन वाइज तो है मजुली विथ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 167,304 पॉपुलेशन. लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए एरिया वाइज तो अभी भी यह कार्बी एंगलोंग डिवीजन के बाद भी लगभग 7,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है. लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वो है नगांव विथ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 28 लैक्स. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसका ध्यान रखना. वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए. टॉपिक नंबर 138 इज अबाउट कृष्णदेव राय. तो कृष्णदेव राय से रिलेटेड कुछ रिलिक्स मिले थे इस साल, इसलिए ये न्यूज़ में थे. द हिंदू में एक दो आर्टिकल आए थे इनसे रिलेटेड. वैसे तो कृष्णदेव राय इंडियन हिस्ट्री में तो आप पढ़ते ही होंगे, मेडिवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हैं. तो इनसे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो देख लेते हैं यहाँ पे. कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर को बिलोंग करते हैं. 1509 से 1529 तक इन्होंने रूल किया. थर्ड रूलर ऑफ तलुआ डायनेस्टी. इनको कुछ टाइटल्स मिले थे जैसे कन्नड़ राजा राम रमन यानी कि लॉर्ड ऑफ द कन्नड़ एम्पायर, आंध्र भोजा यानी कि आंध्र स्कॉलर किंग, मुरु रायरु गांडा मतलब किंग ऑफ थ्री किंग्स. तो ये सब कुछ इनको टाइटल्स मिले थे जो अखबारों में आया था इस टाइम में फरवरी महीने में इस साल, इसलिए मैंने कवर किया था. तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए. टॉपिक नंबर 139 इज अबाउट इंडिया आउट ऑफ टेक्निकल रिसेशन. तो देखिए रिसेशन, वैसे तो हम लोग ये शब्द का काफ़ी जनरली इस्तेमाल करते रहते कि अरे देश में रिसेशन आ गया रिसेशन आ गया, लेकिन रिसेशन का अपना एक टेक्निकल डेफिनेशन है कि अगर हमारी इकोनॉमी दो कंजेक्यूटिव क्वार्टर्स में श्रिंक करे तो ही जाकर के कहेंगे कि रिसेशन है. तो दैट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ रिसेशन. रिसेशन हैपेंस व्हेन द इकोनॉमी श्रिंक्स फॉर एटलीस्ट टू फिस्कल क्वार्टर्स इन अ रो, मतलब छः महीने तक लगातार श्रिंक करे, दो क्वार्टर्स में श्रिंक करे इकोनॉमी, तभी जाकर कहेंगे रिसेशन है. और अगर रिसेशन लंबे समय तक चल जाए मतलब एक साल या डेढ़ साल तक लगातार श्रिंक करते रहे इकोनॉमी, मतलब चार या पाँच क्वार्टर तक लगातार श्रिंक करते रहे, तो फिर कहा जाता है डिप्रेशन. तो आज़ादी के बाद हमारा इकोनॉमी पहली बार रिसेशन में गया कोरोना वाले साल में, पिछले साल 2020 में, जब पहले क्वार्टर में 2020-21 के क्वार्टर वन में हमारा ग्रोथ रेट रहा -23.9 और दूसरे क्वार्टर में रहा हमारा ग्रोथ रेट -7.35. लेकिन अच्छी बात ये है कि तीसरे क्वार्टर में हमने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया, ग्रोथ ऑफ 0.4%. तो ये अच्छी बात थी कि हमने तीसरे ही क्वार्टर में जाकर के ग्रोथ को पॉजिटिव कर दिया. तो कम से कम दो कंजेक्यूटिव क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा, इसी कारण से हम कह सकते हैं कि इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम मूव्ड इनटू टेक्निकल रिसेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो टेक्निकल रिसेशन में हम चले गए थे इस साल 2020-2021 के पहले और दूसरे क्वार्टर में कंजेक्यूटिव डिक्लाइन होने के कारण. लेकिन तीसरे क्वार्टर में हमने हल्का ग्रोथ दिखाया, इसको कहा जाता है इकोनॉमी के अंदर ग्रीन शूट, सम पॉजिटिव साइन फॉर रिकवरी इज नोन एज ग्रीन सूट. तो इकोनॉमी श्रिंक्स फॉर एटलीस्ट टू फिस्कल क्वार्टर इन अ रो, देन इट इज नोन एज टेक्निकल रिसेशन. इंडिया एंटर इंटू टेक्निकल रिसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020 आफ्टर इंडिपेंडेंस. डिप्रेशन अगर लंबे समय के लिए हो तो उसको कहा जाता है डिप्रेशन, अगर रिसेशन लंबे समय के लिए हो तो उसको कहा जाता है डिप्रेशन. और ग्रीन सूट्स होते हैं इकोनॉमी में पॉजिटिव साइंस ऑफ रिकवरी. वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए. टॉपिक नंबर 140 इज अबाउट महामृत्युंजय टेम्पल. तो महामृत्युंजय टेम्पल आपको पता होगा, इस साल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया इसी साल फरवरी महीने में, और बाद में जो अर्थक्वेक आया उसमें क्रैक भी आ गया, आपने सुना होगा, इस साल काफ़ी न्यूज़ में था. तो महामृत्युंजय टेम्पल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. भरभरी एरिया में है इन द नगांव डिस्ट्रिक्ट. हाइट है इसकी, इसका जो शिवलिंग है इसकी हाइट है 126 फीट. ध्यान रखना, सीधा सीधा पीटी में पूछ लेगा. इट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, कंसिडर टू बी द हाईएस्ट शिवलिंग इन द वर्ल्ड. इट इज़ कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट शिव टेम्पल इन एशिया. एंड महामृत्युंजय मंत्र, अब महामृत्युंजय टेम्पल की बात चली तो महामृत्युंजय मंत्र भी देख लेते हैं. महामृत्युंजय मंत्र या फिर रुद्र मंत्र या त्र्यंबकम मंत्र, ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है? सबसे पहले इसको लिखा गया था ऋग्वेद में, तो ध्यान रखना, इट हैज़ बीन रिटन इन ऋग्वेद. बाद में यजुर्वेद में भी थोड़ा बहुत रेपिटेशन है, लेकिन ऋग्वेद में इसको लिखा हुआ है. त्र्यंबकम मतलब होता है थ्री आई, भगवान शंकर आपको पता है ना, तीन आँखें उनकी, तो त्र्यंबकम. तो ये आज का टॉपिक नंबर 140, आज का आखिरी टॉपिक है, कल हम लोग आगे चलेंगे टॉपिक नंबर 141 से आगे. तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.